कितना आया? 9000 रुपए तार दिने कोई हुकूमत पाकिस्तान में दे मैं तो दुआ मांगा जंग लगे हर से लेवल कोई विरला बंदा रहे मेरा आखिरी हाल पूछ ले अच्छा के काम चेक करो यार इनकी उम्र देखो और ये मुंह के साथ गट्टू उठा रहे अभी फिर मुश्किल नहीं होती होगी काफी उम्र हो गई आपकी अस्सलाम वालेकुम हेलो जी वो यार बैक विद अनदर व्लॉग कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं फिट फाट हैं आपका भाई अभी अभी उठा है हाथ मोबाइल पकड़ा है और टैटा टैटा शुरू कर दिया आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी था लेकिन अभी बारिश आ गई है तो अभी टीवी को करते हैं बंद और बाहर चलते हैं मेरे पीछे देखें मजदूर काम कर रहे हैं मैंने सोचा इनके साथ गपशप करते हैं और इनसे साथ जो है बातचीत करते हैं कि इस तरह इनकी ज़िंदगी गुजर रही है और इनके साथ थोड़ा बहुत फन भी करते हैं तो मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर एक फकीर चाचा आ गया हम सबसे पहले इनका इंटरव्यू करेंगे ठीक है ये वाला भाई पकड़ कर मेरे पास ला रहा है कि इस भाई के साथ इंटरव्यू करो कैमरे देखो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम चाचा फकीर इन सब को देखकर और मोबाइल के कैमरे को देखकर घबरा गया और यहाँ से चला गया इन भाई साहब से पूछते हैं कि इनकी जिंदगी कैसे गुजरी और इनका बिजली का बिल कितना आया है 9000 रुपए तार ठीक हो गए जी महंगाई बड़ी मेरा बिरा टाइम बड़ा को भी कर दे बेकार ली थी हां 200 का किलो चीनी हुई कली 450 का किलो दाल तक हो गया बिल्कुल और अल्लाह दे बंदे 500 बंदा बंदा आटा मूल लेवे की करे बंदे केड़े केड़े पास सही गल महंगाई की हो गई कम से कम दे रे ये चप्पल के 150 दा मरने साई 450 500 रुपए दे चप्पल दो ठीक हो गए कोई किदे बनी गरीब आदमी अल्लाह दे बंदे हालात कोई हुकूमत पाकिस्तान में दे मैं तो दुआ मांगा जंग लगे हर से लेवल कोई विरला बंदा रहे मेरा बिरा आखिरी हाल पूछ ले और गल कोई देखिए कोई काम से चाचा के काम चेक करो यार इनकी उम्र देखो और ये मुंह के साथ गट्टू उठा रहे हो ओ भाई साहब वाह चाचा वाह मजा आया यही वो अंकल हैं जिन्होंने मुंह के साथ जो है ना वो पूरा गट्टू उठा लिया था कैसे उठा लिया चाचा कपूच कोई मेरा बच लिया चढ़े बैठा ताकत है अल्लाह धोखा ना गंदा ही ताकत है अल्लाह पाक की पावर है बिल्कुल दांत टूटते नहीं है ना अल्लाह धोखा ना दुआ की दिया तू ना कह रहा क्या नहीं थे भाई दो बोरियां हां तनु पे कसम है उचाना दो बोरियां हां बिल्कुल ये शक मैंने आके देखो तू चाह कर ले क्या बात है सर क्या बात है सर अंकल के साथ बातचीत करते हैं अच्छा अंकल जी आपको कितने अरसे हो गए ये मजदूरी वगैरह करते हुए ये साल अरसे हो गया हमारे पदरिया 35 साल अच्छा 30-35 साल हो गए अभी फिर मुश्किल नहीं होती होगी काफी उम्र हो गई आपकी मर्द हाँ किली हो मैंने
मजबूरी निकले के बाल है मेरे बचरिया। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे त्राए छोल। अच्छा, तीन लड़के। अच्छा, एक मैं आप। अच्छा, अल्लाह वार से बात। एक ही शादी की है? हाँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा, ये सब आप लोग के साथ हैं? एक ही जगह आप सब मिलकर काम करते हैं? तीस साल। अच्छा, इस काम से कितने कमा लेते हैं महीना के? कितना तकरीबन महीने का? 4,000 से 5,000 बस पूरे महीने का। 4,000-5,000 बनाते हैं तो उसमें गुजारे कैसे होता होगा? 15,000 रुपया तो आपका बिल आया। नाज़रीन देख लें किस तरह के जो हालात आ गए हैं। मजदूर लोग जो हैं वो अपनी गंदम बेचकर बिल तार रहे हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि कुछ मेहरबानी करें, गरीब लोगों का जीना मुहाल हुआ पड़ा है। तो जी व्यूअर्स, कुछ इस तरह के आजकल के मजदूर के हालात हैं, बहुत तंग है, गुजारा बहुत मुश्किल है इन लोगों का। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि यार कुछ देखें, इन गरीब लोगों का गुजारा बहुत मुश्किल है, इस तरह तो नहीं चल सकता हमारा पाकिस्तान। मेहरबानी करें, महंगाई कम करें, गरीब बंदे का जीना मुहाल हुआ पड़ा है इस टाइम। जियो चाचा जियो। शाह रग तू नजदीक हो के जो हुकूमत आई चली। शाह रग तू नजदीक हो के मेरी हाल दवाई छोड़ी हो गई। तेरे बंदे जुलम की हद काट ओड़ी। मेरी जरा जी छिक की ओई नहीं। हाय मन वेख के जाने शक पोंदा रब मन मखलूक जतो ही नहीं। बेवास मखसूम बस तक दे तेरी रात। जियो जियो जियो। क्या मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और आज का व्लॉग करते हैं इधर ही ख़त्म। आज मजदूर लोगों के साथ बातचीत करके बहुत मज़ा भी आया, लेकिन उनकी बातें सुनकर बहुत दुख भी हुआ। मेरी मौजूदा हुकूमत से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, महंगाई पर कंट्रोल करें, गरीब आवाम बेचारी भूख से मर रही है, ये हालात हो गए हैं मजदूर के। ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रहो, आबाद रहो। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।